फाइनली मैंने इस एंशिएंट सिटी को ये बना दिया, मैंने इसको पूरी तरह से रिबिल्ड कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, देखो मैंने पूरा रिबिल्ड तो किया है, बट ओके मैं ऐसे नहीं बोल रहा, तुम्हें पूरा वीडियो देखना होगा। सो हे गाइस, तुम लोगों का वापस स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो तुमने थंबनेल एंड टाइटल में देखा। ओके मजाक साइड में, मैंने एक अपने शॉर्ट्स में कहा था कि मेरे इंस्टा में 3K करवा दो तो मैं पूरा एंशिएंट सिटी को रिबिल्ड कर दूंगा, बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखो पहली बात तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना ज्यादा बड़ा है, और जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा मेरी हालत पंचर हो गई। और तुम लोगों ने तो भाई 2 दिन में 3K करा दिए, मुझे लगा कम से कम 1 वीक लग जाएगा, लेकिन नहीं। वैसे मैंने इस वीडियो में पूरे 20 आवर्स लगाए हैं, सो प्लीज पूरा वीडियो देखना एंड एंजॉय द वीडियो। सबसे पहले तुम्हें पूरे एंशिएंट सिटी को देखते हो कि एक्चुअल में स्टार्ट कहां से करूं, एंड इसी समय मेरे को पता चलता है कि कितना ज्यादा बड़ा है, और यही चीज देख के मेरी हालत खराब हो गई थी इसी टाइम, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। So, यही मेरे दिमाग में रखते हुए मैंने बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो मैंने इस जगह को देखा एंड मैं पहले सोचा था कि पूरे वॉल्स को क्लियर करूंगा, सो मैं उसी काम में लग गया। और यहाँ पे एक मैंने बिग ब्रेन लगाया भाई, बार बार वार्डन स्पॉन हो जा रहा था यार, तो मैंने कमांड से वार्डन को ही हटा दिया। अब वार्डन भाई कुछ भी कर ले स्पॉन ही नहीं हो पाएगा। फिर वापस से उसी हम लोग मजदूरी में लग गए। देखो मैं ब्लॉक तोड़ रहा था लगा रहा था, ये कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं गाने सुनते सुनते बनाऊंगा। अब मुझे इतना बोरिंग फील भी नहीं हो रहा था, और फिर मैं वापस अपने काम में लग गया। देखो मैंने बहुत सारे तरीके से तोड़ा, जैसे TNT लगा के, चाहे हाथों से ही तोड़ने लगा, लेकिन TNT से गलत ब्लॉक भी टूट जा रहे थे, और हाथ से तो कितना ज्यादा ही टाइम लग रहा था। और पता नहीं ये कितने बड़े केव से पानी आ रहा था, सो सबसे पहले मैं उसको बंद करने गया। भाई ये कितने दूर से पानी आ रहा था यार, और फिर इतनी सी जगह को बस मेरे को प्लेन करने में लिटरली 1 आवर लग गया। लिटरली उसे मैं सोच रहा था कि इतनी सी जगह को मुझे प्लेन करने में 1 घंटा लग गया। सो अगर मैं इस पूरे जगह को प्लेन करने लगा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। सो मैंने उसको छोड़ के डायरेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट की। देखो मेरे से एक और बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक्चुअली जो मैंने एंशिएंट सिटी चूज किया था वो पूरा ही ब्रोकन था, मतलब कि उसके बिल्ड्स अच्छे से बने ही नहीं थे, तो मुझे लिटरली पूरा अपने से बना के करना पड़ रहा था, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन यू नो थारा भाई स्टील ये पूरा करके दिखाएगा, तो मैं लग गया इस छोटे से चीज को बनाने। देखो मैं अंदर से इसको खुद की डिजाइनिंग दे रहा था, तो मुझे बनाने में भी बहुत मजा आ रहा था, एंड बनाते बनाते फाइनली मेरा ये बना। लेकिन ये तो बस एक है, ऐसे ही पूरे 10 से 20 है इस पूरे एंशिएंट सिटी में। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं बना लूंगा, लेकिन मुझे इस चीज को बनाने में 1 घंटा लग गया था। सो अगर मैं पूरा बनाने लग जाता तो बहुत टाइम लग जाने वाला था, ऐसी वीडियो इतनी लेट हो गई है। मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, ये जो भी कर रहा था मैं खुद से कर रहा था। सो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं खाली बीच बीच का रिबिल्ड कर दूंगा। आई नो ये थोड़ी सी चीटिंग है, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सह लोगे। सो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं मेन पोर्टल के सामने वाला एंट्रेंस रिबिल्ड करूंगा, तो सबसे पहले मैं उसके फ्लोर को सही करने लगा। फिर मैं एक्चुअली ये चीज बनाने लगा था, एंड मैं इसको बना रहा था तोड़ रहा था, क्योंकि मैं कुछ भी फाइनल नहीं कर पा रहा था, लेकिन एंड में मेरे ये फाइनल किया, एंड इसी चीज को मेरे को पूरा बनाना था। देखो इस चीज को मैं वॉल से कनेक्ट भी कर दे रहा था, जिससे और भी अच्छा लगे, एंड इस साइड का तो भाई पूरा ही टूटा हुआ था, मुझे इस चीज को पूरा ही बनाना पड़ा। एंड जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं साइड साइड के स्टेयर्स बनाने चला गया, क्योंकि आने की भी जगह चाहिए ना भाई, एंड ये देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा। देखो अब मैं इस चीज को पूरा रिबिल्ड करने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो मैंने पूरे वुल को फिक्स किया एंड ये चीज मैंने फिर पूरा ही तोड़ दिया ताकि मैं खुद का रिबिल्ड कर सकूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया। हाँ, तो इसी चीज को मेरे को पूरा कॉपी पेस्ट करना था। देखो मैं इधर से चेन से कनेक्ट भी कर रहा था तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने काम शुरू कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रिज बनाने लगा, क्योंकि आने के लिए भी रास्ता चाहिए हम लोगों को। ब्रिज बनने के बाद मैं इस साइड गया बनाने के लिए। पॉज। देखो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बनाते बनाते बोर हो गया होऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं डिस्कॉर्ड में अपने सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, यानी तुम लोगों से। स्टील विंग भाई, आपका चैनल बहुत ओपी है। थैंक यू। एंड लिटरली मैंने उन लोगों से पूरे 2 से 3 घंटे बात किए। तुम लोगों को भी मेरे से बात करना है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो फटाफट। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज बनाने मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। एंड जब ये बन गया तो देखो ये कितना ज्यादा कूल लग रहा है। और मैंने इधर 2 पोल भी लगा दिए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन ये दिखने में अच्छा लग रहा था। फिर मैंने इसमें बहुत सारी डिटेलिंग की, देन आ रहा था मेन काम। देखो ये पोर्टल फ्रेम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं पूरा ही तोड़ दूंगा। तो मैं हाथ से बीच बीच में TNT से भी फोड़ रहा था और फिर मेरा बीच में काम भी बढ़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। देखो पूरा क्लियर करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इधर मैं पूरा वार्डन ही बना दूंगा। सुनने में तो प्लान बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एग्जीक्यूट करने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा। सबसे पहले तो मैंने वार्डन की आउटलाइनिंग बनाई, जो कि कुछ ज्यादा ही मोटा वार्डन बन गया था। फिर मैंने बाद में जाकर उसको फिक्स किया। फिर मेरी आउटलाइनिंग कुछ ऐसी दिख रही थी जो कि देखने में ठीक ठाक थी, और फिर मैं असली वार्डन को देख देख के ये मैं पूरा बिल्ड बना रहा था। दोनों हाथ देखने में तो ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन जब पूरी फुल बॉडी बनेगी ना, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। देखो मेरे को ऊपर पोर्टल तो बनाना ही था, तो मैंने इस पोर्टल के पीछे नेदर पोर्टल बना दिया। नाउ एंजॉय द फाइनल। देखो कोई नहीं हंसेगा। आई नो ये वार्डन थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा जीप बना है। देखो मैं बिल्डिंग में इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसमें मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हंसना बंद करोगे तुम लोग। एंड मेरे पास एक और चीज है, अगर तुम लोग मेरे इंस्टा में 30K अरे सुनो तो, I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। एक बार देखो, अगर मेरे इंस्टा में 30K हो गए, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है, वो भी तुम लोग को मंथ में ही कराना है, तो मैं लिटरली इस पूरे को रिबिल्ड करूंगा। झूठ बोल रहा है। अरे सच बोल रहा हूँ, क्या विश्वास नहीं है? आई नो लेट हो गया वीडियो, लेकिन मैंने कर तो दिया, पूरा तो नहीं किया ना। लगता है इधर वीडियो एंड करने का समय आ गया। तो होप सो तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम में तुम्हें पता है क्या करना है। बाय द वे, मिलते अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस।